सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी अब सरकारी जो क्वार्टर्स है उसको अपने मोबाइल के द्वारा भी अलॉट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 24 अप्रैल 2018 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है एम आवास, जिसके द्वारा कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि केंद्रीय कर्मचारी है, वह जिस भी सिटी में पोस्टिंग है और यदि वहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर्स अवेलेबल हैं तो वह अपने मोबाइल के द्वारा ही सरकारी क्वार्टर्स अपने नाम अलॉट करवा सकता है। हालांकि दोस्तों, यह जो सुविधा है वो फिलहाल दिल्ली में ही मात्र अवेलेबल है, बाकी जो 8 शहर हैं वहाँ पर जल्दी ही इस सुविधा को लॉन्च किया जाएगा और उन सभी शहरों में भी सेवारत जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो अपने मोबाइल के द्वारा सरकारी क्वार्टर अलॉट करवा सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें gpra.nic.in पर जाना होगा, वहाँ से ये जो ऐप है एम आवास उसको अपने मोबाइल में डाल लीजिए और मोबाइल में डालने के बाद में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसे जनरेट करना होगा और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा वो सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकता है। उसके बाद में उसकी वेटिंग लिस्ट है या फिर उसके कब जाके उसे अलॉट होगा वो सारी चीज़ें वो अपने मोबाइल में ही इस एम आवास एप्लीकेशन के द्वारा देख सकता है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा ये ऐप जारी किया गया एम आवास। हालांकि ये जो मोबाइल ऐप है वो अभी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको जाना होगा जो gpra.nic.in की जो वेबसाइट है उस पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी अवेलेबल सुविधाएं हैं उनका आप इसमें ज़रूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।